बच्चों, मैं भूपेंद्र कुमार बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं पुनः आप सभी के समक्ष प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री को लेकर उपस्थित हूं, जो मॉडर्न इंडिया के नेशनल मूवमेंट या राष्ट्रीय आंदोलन कालखंड से संबंधित है। हम सभी जानते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बड़े बड़े विद्रोह और राष्ट्रीय आंदोलन तो हुए ही, और इस दौरान कुछ छोटे छोटे विद्रोह भी हुए, कुछ छोटे छोटे आंदोलन भी हुए क्षेत्रीय स्तर पर, जहां से प्रमुखता से सवाल पूछे जाते हैं। और ऐसा ही एक प्रमुख टॉपिक जो क्षेत्रीय स्तर पर होने वाला विद्रोह था, यह था मोपला विद्रोह, जो काफ़ी पूछे जाते हैं। अभी भी ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पीटी का एग्जाम हुआ है, तो यहाँ प्रमुखता से इससे सवाल पूछे गए हैं, और हर प्रतियोगिता परीक्षा में लगभग इस टॉपिक से सवाल रहते ही रहते हैं। तो चलिए हम लोग इस क्षेत्रीय विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं। मोपला विद्रोह, मोपला केरल के मालाबार, मोपला विद्रोह जो है यह केरल के मालाबार तट पर हुआ। पहला सवाल यहीं पर है। हम सभी जानते हैं कि केरल तटीय प्रदेश है भारत का, और केरल का बहुत ही प्रसिद्ध मालाबार तट है, तो इसी मालाबार तट पर मोपलाओं का विद्रोह हुआ, क्योंकि इसी क्षेत्र के ये निवासी थे। और मोपला कोई एक जाति नहीं थी, एक्चुअली मोपला एक वर्ग या समूह था, जिसमें कृषक मजदूर एग्रीकल्चर लेबर, चाय तथा कॉफ़ी बागान में काम करने वाले मजदूर जनरल लेबर, छोटे किसान तथा कुछ छोटे मोटे व्यापारी शामिल थे। ध्यान रखें, जब प्रश्न को तार्किक बनाता है तो इस सब पोर्शन पर ज़्यादा से ज़्यादा तर्क विकसित किया जाता है। मोपला कोई जाति नहीं थी, मोपला एक वर्ग या समूह था, जिसमें कृषक मजदूर, चाय तथा कॉफ़ी बागान में काम करने वाले मजदूर, छोटे किसान तथा कुछ छोटे मोटे व्यापारी शामिल थे। हाँ, इनमें समानता थी तो इस बात को लेकर के कि इनमें अधिकांश मुसलमान थे, अधिकांश मुसलमान थे, बहुत कम हिंदू थे। इनमें समानता, इस समूह में समानता केवल सांप्रदायिक आधार पर थी। यही प्रश्न पूछा गया था कि मोपला समूह में समानता का आधार क्या था, तो मोपला समूह के समानता का मुख्य आधार था संप्रदाय, क्योंकि इसमें जो किसान शामिल थे, जो मजदूर शामिल थे, जो छोटे छोटे व्यवसायी वर्ग शामिल थे, इनमें अधिकांश मुसलमान संप्रदाय के लोग थे। ये इनके बीच समानता का आधार था। और इनका मुख्य रूप, इनका काफ़ी, देखिए एक्चुअली क्या है कि इस काल की स्थिति ऐसी थी कि जो गरीब किसान मजदूर वगैरह थे, उनकी कोई प्रतिष्ठा, तो प्रतिष्ठा की तो बात छोड़ ही दीजिए, उनका आर्थिक स्तर काफ़ी कमज़ोर था, उनको कोई संरक्षण नहीं मिलता था और उनका ज़बरदस्त शोषण किया जाता था। चाहे भारत के किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, आप जितने भी आदिवासी जनजाति या किसान विद्रोह को आपने पढ़ा है, सभी का मुख्य आधार शोषण ही था। यहाँ भी मुख्य आधार यही था, और मोपलाओं का ज़बरदस्त शोषण किया जाता था, और मोपला का शोषण करने वाले जो जमींदार थे वो हिंदू थे। मोपला मुख्य रूप से मुसलमान थे, यही इसके सांप्रदायिक रूप लेने का कारण हो गया था। इस समूह के मुख्य लोग मुसलमान थे, और इनके शोषण करने वाला जो समूह था जमींदार, जिनको साउथ इंडिया में नायर तथा नंबूदरी जमींदार कहा जाता था, इस नाम से भी क्वेश्चन आते हैं, और नायर और नंबूदरी जमींदार हिंदू थे, और हिंदू जमींदार या नायर या नंबूदरी द्वारा मोपलाओं का ज़बरदस्त शोषण किया जाता था। और जब ये इस शोषण के विरुद्ध सरकार में शिकायत करते तो सरकार भी जमींदारों का ही साथ दे देती थी, तो स्वाभाविक सी बात है कि आक्रोश उत्पन्न होगा। यह घटना इस प्रकार की थी कि मोपलाओं के साथ जबरदस्त दुर्व्यवहार होता था,
काफ़ी शोषण होता था और शोषण से निजात दिलाने वाली संस्था यानी कानून भी जमींदारों का ही साथ दे देती थी और रसूखदार ये लोग हुआ ही करते थे। आज भी भारत में लगभग यही स्थिति देख सकते हैं आप, जो कानून रसूखदारों के पक्ष में अपना ज़्यादा कार्य करता है, जबकि आज जनतंत्र है और इस काल का शासन तो कल्याणकारी था नहीं, जनतंत्र तो था नहीं, तो इस काल की जो सरकार है वो मैक्सिमम जगहों पे, केवल यही नहीं, आप मैक्सिमम जगह पर हिस्ट्री मुलट के देखिए, वो जमींदारों का ही साथ देती थी और मोपलाओं का शोषण हिंदू जमींदार नायर तथा नंबूदरी द्वारा किया जाता था और सरकार जमींदारों का ही साथ दे देती थी। यह आक्रोश का बड़ा कारण था। इसके बाद इतिहास बताता है कि मोपलाओं के आक्रोश का एक कारण तो जमींदार का शोषण था ही, और मोपलाओं के आक्रोश का एक कारण था तुर्की के खलीफा के साथ होने वाला दुर्व्यवहार। और आप सभी जानते हैं कि इसी काल की घटना थी तुर्की के खलीफा के साथ होने वाला दुर्व्यवहार, और तुर्की के खलीफा के साथ दुर्व्यवहार के कारण सभी भारतीय मुसलमान, केवल मोपला समूह के मुसलमान नहीं, सभी भारतीय मुसलमान तुर्की के खलीफा के साथ जो ये बदसलूकी की गई थी या वादा खिलाफी की गई थी या उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया था अंग्रेज़ों द्वारा, इसके कारण सभी भारतीय मुसलमान और मोपला भी असंतुष्ट थे। आप सभी पढ़ते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों ने भारतीय मुसलमान को वचन दिया था कि जब हम जीत जाएंगे प्रथम विश्व युद्ध में तो तुर्की के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि तुर्की जो था वह ब्रिटेन के विरोधी गुट में था और तुर्की के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, ऐसा वादा किया था अंग्रेज़ों ने भारतीय मुसलमानों से। और आप जानते हैं कि तुर्की के प्रति क्या लगाव था मुसलमानों का, क्योंकि तुर्की में मुसलमानों का धार्मिक प्रधान जिसको खलीफा कहते हैं, खलीफा व्यक्ति का नाम नहीं हुआ करता था, खलीफा पदनाम हुआ करता था, और इस काल में खलीफा तुर्की में ही बैठता था। और अगर, और आप सभी जानते हैं कि धर्म के मामले में इस्लाम काफ़ी कट्टर होते हैं, वो अपने हर चीज़ से विलग हो सकते हैं, धर्म से नहीं, तो तुर्की के खलीफा के साथ अगर दुर्व्यवहार होगा तो इसको पूरे इस्लाम जगत के साथ दुर्व्यवहार माना जाएगा। इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध से पहले, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों का साथ देने से पहले भारतीय मुसलमानों ने उनसे वादा करवा लिया था कि आप जीतें और जर्मनी के साथ जो व्यवहार करना हो करें, लेकिन आप तुर्की के साथ ना करें ऐसा दुर्व्यवहार, क्योंकि अगर आप उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो खलीफा के साथ दुर्व्यवहार होगा, और खलीफा के साथ दुर्व्यवहार होगा तो पूरे इस्लाम जगत के साथ दुर्व्यवहार होगा। अंग्रेज़ों ने वचन तो दे दिया, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में जब अंग्रेज जीत गए तो इन्होंने जर्मनी को तो बर्बाद कर ही दिया वर्साय की संधि द्वारा, इसी तरह सेब्र की संधि द्वारा तुर्की को भी बर्बाद कर दिया और तुर्की के खलीफा को पद से हटा दिया, उसका अपमान कर दिया। इसी को कहा जाता है खलीफा के साथ अपमान। और इसी के विरोध में भारत में अली बंधुओं, शौकत अली, मोहम्मद अली के विरोध में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था, जिसका नेतृत्व कुछ ही समय बाद महात्मा गांधी को दे दिया गया। और खलीफा के साथ दुर्व्यवहार के कारण मोपला समूह के मुसलमानों में भी आक्रोश था, इसीलिए मोपलाओं का आक्रोश जो था वह जमींदार और सरकार दोनों के विरुद्ध था। कारण कि जमींदार का साथ सरकार दे रही थी, जमींदार के शोषण को रोकने के बजाय उनका साथ ही दे रही थी, ऊपर से ब्रिटिश सरकार द्वारा जो खलीफा के साथ दुर्व्यवहार कर दिया गया था, यह भी एक कारण था सरकार के विरुद्ध आक्रोश का। तो ध्यान रखें ऑब्जेक्टिव में तार्किक सवाल बनाने के लिए कि मोपलाओं का विद्रोह केवल जमींदारों के विरुद्ध नहीं था, मोपलाओं का विद्रोह ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भी था, जिसके दो कारण थे कि ब्रिटिश सरकार या अधिकारी जमींदारों का साथ दे रही थी
और खलीफा के साथ जो दुर्व्यवहार कर दिया गया था, इन दोनों कारणों से मोपला कृषक या मोपला मुसलमान या मोपला समूह के मुसलमान सरकार के विरोधी थे, सरकार के प्रति इनके मन में आक्रोश था। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, इतिहास लिखता है कि 1857 की क्रांति से पहले मोपलाओं ने लगभग 22 बार क्षेत्रीय स्तर पर विद्रोह किया था। यानी आक्रोश एक दिन का नहीं था। 1857 की क्रांति के पहले इतिहास बताता है कि लगभग केरल तट के, मालाबार तट के मोपलाओं ने 22 बार विद्रोह किया था। लेकिन सबसे मुख्य विद्रोह जो मोपलाओं का हुआ वह असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ। और आप सभी जानते हैं कि असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला और मोपलाओं का विद्रोह हुआ था 1921 में। वैसे 1921 से पहले या 1857 से पहले इन्होंने 22 बार विद्रोह किया था, लेकिन इस विद्रोह का कोई फलाफल नहीं था। छोटा छोटा से छोटे स्तर का विद्रोह था, कोई महत्व नहीं था। और इनके द्वारा किया गया सबसे मुख्य विद्रोह 1921 में हुआ, जिसका मुख्य धार्मिक नेता अली मुसलियार था। अली मुसलियार जो काफ़ी पूछा जाता है, क्योंकि ये धार्मिक नेता था। और याद रखें, ध्यान रखें कि शुरू में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो शुरू में थी वो मोपलाओं के ही समर्थन में थी और जमींदार की विरोधी थी। और बार बार ये मोपलाओं के समर्थन में जमींदारों के साथ नेगोशिएशन करती थी कांग्रेस पार्टी। और इनका कहना था जमींदारों के साथ नेगोशिएशन में कि आप मोपलाओं का शोषण ना करें, लेकिन जमींदार लोग अपनी स्थिति से बाज नहीं आए। तो शुरू में कांग्रेस पार्टी मोपलाओं का ही समर्थन करती थी, लेकिन ध्यान रखें बाद में कांग्रेस पार्टी मोपलाओं का समर्थन करना छोड़ दिया। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्यों बाद में कांग्रेस पार्टी ने मोपलाओं का समर्थन करना छोड़ दिया। जो कांग्रेस पार्टी आरंभ में मोपलाओं का समर्थन कर रही थी, तो हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी आरंभ में मोपलाओं का समर्थन कर रही थी, जमींदारों द्वारा मोपलाओं के शोषण के खिलाफ थे। लेकिन जब विद्रोह के दौरान जब विद्रोह ने सांप्रदायिक रूप धारण कर लिया, माने यह हिंदू मुसलमान के बीच युद्ध जैसी स्थिति हो गई, तो कांग्रेस ने अपना हाथ खींच लिया। क्योंकि इस विद्रोह के दौरान मोपलाओं ने जमींदार, महाजन और अंग्रेज अफसरों के अलावे हिंदू मंदिरों को भी निशाना बना दिया। केवल अगर ये जमींदार को निशाना बनाते तो ये सांप्रदायिक रूप नहीं लेता, अंग्रेज अफसरों को ये मारते तो सांप्रदायिक रूप नहीं लेता। लेकिन मोपलाओं ने जो आक्रोश में आकर के हिंदू मंदिरों पर अटैक करना शुरू किया, यही घटना इस विद्रोह को सांप्रदायिक जामा पहना दिया, यह धार्मिक रूप ले लिया और यह हिंदू मुसलमान के बीच विद्रोह की स्थिति मानी गई। और जैसे ही इस विद्रोह के दौरान मोपलाओं ने मंदिरों पर आक्रमण करना शुरू किया और विद्रोह ने सांप्रदायिक रूप ले लिया, कांग्रेस पार्टी ने तुरंत अपना हाथ खींच लिया। तो याद रखें कि मोपलाओं का विद्रोह 1857 के पहले लगभग 22 बार हुआ, लेकिन मुख्य विद्रोह, सबसे मुख्य विद्रोह 1921 में हुआ, जिसके मुख्य धार्मिक नेता अली मुसलियार थे। आरंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मोपलाओं का समर्थन किया, परंतु जब इस विद्रोह ने सांप्रदायिक रूप धारण कर लिया, क्योंकि इस विद्रोह के दौरान मोपलाओं ने जमींदारों की हत्या की, महाजन की हत्या की, अंग्रेज अफसरों की हत्या की, लेकिन जब इन्होंने विद्रोह के दौरान हिंदू मंदिरों पर अटैक करना शुरू किया, तो विद्रोह ने सांप्रदायिक रूप ले लिया और कांग्रेस ने इस स्थिति में मोपलाओं का समर्थन करना छोड़ दिया और मोपला विद्रोह के समर्थन से अपने हाथ को वापस ले लिया। तो
इस तरह से क्षेत्रीय स्तर पर होने वाले विद्रोहों में भारत के इतिहास में मोपला विद्रोह का अपना एक विशिष्ट स्थान है। मेरा विश्वास है कि मोपला विद्रोह से संबंधित जितने भी बिंदुओं की हम लोगों ने चर्चा की है, इनमें सभी सवाल आपके बनेंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और फिर किसी इसी प्रकार की उपयोगी सामग्री को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।